इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन लेकर आया हूँ। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की है। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ दिखा रही हैं, या बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपके लिए डिक्टेशन बोल रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। आपसे कुछ ही सेकंड में डिक्टेशन बोलने वाली है। रेडी स्टार्ट। किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं और हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमानुसार ही चल रही हैं। बिना नियम और अनुशासन के ना तो कोई व्यवसाय चल सकता है और ना सामाजिक उन्नति ही की जा सकती है। क्या व्यापारी और क्या नेता, सभी को नियम पूर्वक कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय में तो विशेष तौर पर नियम तथा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी दक्ष प्रबंधक के और अनियमितता दूर किए बिना व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाना असंभव है। पैराचेंज। किसी भी बड़े कारखाने को देख लीजिए। नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है। यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। यही नहीं, कोई भी और कितना ही जटिल व्यवसाय हो, व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है। कई अव्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्ष्य की ओर देखना ही आवश्यक है। संबंधित बातों की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, परंतु वास्तविकता यह है कि लक्ष्य से संबंधित छोटी छोटी बातों की व्यवस्था परमावश्यक है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखता, उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटिल बातों को संभाल लेगा। यदि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवसाय ही चौपट हो जाए। पैराचेंज। यदि व्यवस्था न की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नष्ट हो जाए। उचित व्यवस्था करके ही शक्ति और समय की बचत की जा सकती है। नियम पर चलते रहने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। नियमित व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि एक नियत स्थान पर रखते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में समय या शक्ति
नष्ट नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार उनकी शक्ति और समय अन्य लाभप्रद कार्यों में लगते हैं। नियम पालन करते अर्थात व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धि स्फुटित होती है जिसकी सहायता से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चर्य होने लगता है। व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है, जबकि अनियमित व्यक्ति असफल ही होता है। अतः यह आवश्यक है कि नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाए, तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, अन्यथा नहीं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।